वोकल गायकों के गुण अवगुण। संगीत रत्नाकर में गायकों के 22 गुण और 25 अवगुणों का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त भी बहुत से गुण अवगुण बताए जा सकते हैं, किंतु यहाँ पर केवल मुख्य का ही वर्णन किया जाएगा। हेडिंग गायकों के गुण। हेडिंग नंबर 1 मधुर कंठ। डिटेल गमक कर्ण और मीड लेने योग्य मधुर और सुरीला कंठ होना, कम से कम अभ्यास में गाने योग्य होना बहुत बड़ा गुण है। हेडिंग नंबर 2 शुद्ध उच्चारण। डिटेल आवाज लगाने तथा संगीत के शब्दों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। हेडिंग नंबर 3 स्वरों और श्रुति ज्ञान। डिटेल राग में प्रयोग किए जाने वाले सभी स्वरों तथा श्रुतियों को समझने तथा गाने की क्षमता हो। हेडिंग नंबर 4 लय और ताल ज्ञान। डिटेल गायक लयदार हो और उसे सभी प्रचलित तालों का अच्छा ज्ञान हो। हेडिंग नंबर 5 राग ज्ञान। डिटेल अधिक से अधिक रागों का सूक्ष्म ज्ञान हो। केवल इतना ही नहीं बल्कि सम प्रकृति रागों से बचना, अल्पतव बहुतव तथा तिरोभाव आविर्भाव दिखाने की क्षमता हो। हेडिंग नंबर 6 समुचित अभ्यास। डिटेल कम से कम इतना अभ्यास तो होना ही चाहिए कि वह अपने मन के अनुसार तान अलाप इत्यादि गा सके। हेडिंग नंबर 7 स्वर लय और भाव का सुंदर समन्वय। डिटेल गायक में यह गुण होना चाहिए कि वह अपने गायन में स्वर लय और भाव तीनों को उचित स्थान दे। हेडिंग नंबर 8 रचनात्मक शक्ति। डिटेल गायक में यह गुण होना चाहिए कि वह उसी समय सुंदर तान आलाप आदि को रचना कर सके और उसकी पुनरावृत्ति ना हो। हेडिंग नंबर 9 श्रम रहित और एकाग्रचित होकर गाना। डिटेल गाते समय श्रोताओं को यह अनुभव ना हो कि गायक को बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है और उसका चित्त एक स्थान पर स्थिर नहीं होता। हेडिंग नंबर 10 जन मन रंजन। डिटेल गायक में यह क्षमता होनी चाहिए कि श्रोता उसके गायन पर मुग्ध हो। उसके गाने से जनता का मनोरंजन होना चाहिए, केवल कलात्मक चमत्कार पर्याप्त नहीं है। हेडिंग नंबर 11 कंठ सीमा। डिटेल गायक की कंठ सीमा जितनी अधिक होगी उतना ही अच्छा है। तीनों सप्तकों में शुद्ध और साफ आला आवाज लगे तथा आवश्यकता अनुसार आवाज छोटी बड़ी की जा सके। हेडिंग नंबर 12 आत्मविश्वास। डिटेल रंग मंच पर निर्भय होकर प्रत्येक परिस्थिति को देखते और संभालते हुए गाना, श्रोताओं को ऐसा मालूम पड़े कि जैसे उसे स्वर व लय पर पूरा अधिकार है। हेडिंग नंबर 13 गायकी। डिटेल उसकी गायकी अधिक से अधिक पूर्ण तथा उसके कंठ के अनुसार होनी चाहिए। हेडिंग नंबर 14 समय अवसर तथा श्रोताओं के अनुसार। डिटेल समय अवसर तथा श्रोताओं के अनुसार राग गीत के शब्द, गायन की अवधि, गाने की शैली आदि चुनने की क्षमता गायक में होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग गायकों के अवगुण। हेडिंग नंबर 1 ककर्ष कंठ। डिटेल रूखे और तीखे कंठ का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, श्रोताओं पर प्रथम प्रभाव कंठ का पड़ता है। ककर्ष कंठ वाला व्यक्ति कितना भी कलापूर्ण गाए, श्रोता पर उसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं पड़ेगा। हेडिंग नंबर 2 बेसुरा गाना। डिटेल राग के स्वर अपने स्थान पर ना लगे। हेडिंग नंबर 3 स्वर और शब्दों का त्रुटिपूर्ण उच्चारण। डिटेल आवाज कांपना, दांत दबा कर गाना, नाक से स्वर निकालना, शुद्ध आकार ना होना, शब्दों को ठीक से उच्चारण ना करना आदि। हेडिंग नंबर 4 राग की अशुद्धता। डिटेल अशुद्ध राग गाना। हेडिंग नंबर 5 बेताल और बेलय। डिटेल गाते समय बेताल और बेलय होना।
हेडिंग नंबर 6 समुचित अभ्यास की कमी डिटेल उचित अभ्यास की कमी हेडिंग नंबर 7 पुनरावृत्ति दोष डिटेल एक बार प्रयोग किए गए राग स्वर को समूहों को बार बार दोहराना हेडिंग नंबर 1 मुद्रा दोष डिटेल गाते समय मुंह बनाना हाथ टेकना कान पर हाथ रखकर गाना आंख बंद करके गाना आदि हेडिंग नंबर 9 अव्यवस्थित गाना डिटेल गाना क्रमहीन होना हेडिंग नंबर 10 आत्मविश्वास की कमी डिटेल भयभीत होकर गाना शीघ्र ही अपनी सब करामात दिखाकर गाना समाप्त करना हेडिंग नंबर 11 समय श्रोता और अवसर के अनुसार ना गाना डिटेल तत्कालीन परिस्थिति का ध्यान रखकर ना गाना गायक की बहुत बड़ी कमी है हेडिंग नंबर 12 आवश्यकता से अधिक तैयारी दिखाना डिटेल अपने अभ्यास से अधिक तैयारी दिखाने से स्वर बेसुरे हो जाते हैं हेडिंग नंबर 13 लापरवाही से गाना डिटेल गाते समय लापरवाही से गाना गायक की सबसे बड़ी कमी है हेडिंग नंबर 14 स्वर लय और भाव में समन्वय की कमी डिटेल इनमें से किसी की आवश्यकता से अधिक महत्व देना उचित नहीं है हेडिंग नंबर 15 नीरस गाना डिटेल गाने में रस की कमी आदि अवगुण है।